हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेशमा कुकिंग टेल्स में। तो मैं आज बनाने वाली हूँ भोपले का खीर बनाने वाली हूँ। ये है गावटी भोपला और इधर अलग मिलता है, और इसका खीर बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत स्वादिष्ट है। मैं आज इसका रेसिपी बना रही हूँ। तो इसका छिलका निकालना है, चाकू के मदद से मैं छिलका निकाल के इसको कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, इसके अंदर ऐसी है ये, इसको सब निकालना है, इसको नहीं डालना है अंदर से। ये बीज को भी निकाल के साफ कर लेती हूँ मैं पहले। तो गाइस, मैं यहाँ पे इसको छोटे छोटे पीस में काट लिया है और इसको बॉईल करने के लिए कुकर में डाल रही हूँ मैं। इतना ज़्यादा दिख रहा है ना, तो ये पकेगा तो बहुत गम हो जाएगा। इसको 5 से 6 सीटी लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत कड़क है ये। इसमें हम 2 ग्लास पानी डालते हैं, फिर इसको बॉईल करने रख देते। तो अभी मैंने गैस को बंद कर लिया है, तो अभी हम ढक्कन हटा के देख लेते। तो मैं इसको ढक्कन हटा के देख लिया, ढक्कन हटा लिया है और अच्छे से पक गया है। तो इसको अच्छे से हम मैश करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको अच्छे से मैश भी कर रही हूँ मैं। आप लोग मैशर अगर रहेगा तो उससे भी ये कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास मैशर नहीं है, उसके लिए मैं चम्मच की मदद से ही कर रही हूँ। इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें मैं कच्चा दूध डाल रही हूँ 1/2 ग्लास, हो गया है अभी। और मैं साथ में यहाँ पे शक्कर भी डाल रही हूँ। आप लोग शक्कर टेस्ट के हिसाब से डालना। यहाँ पे मैं 3 ढक्कन डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसको कुकर में ही बनाने वाली हूँ, अलग से फिर कोक में निकालो ये वो बहुत झंझट रहेगा, उसके लिए मैं इसमें पकाने वाली हूँ। मैंने वापस से गैस पे रख दिया है। इसको अच्छे से मैं इसका शक्कर और दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए तब तक हम इसे पकाते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिया है, हम लोग डालते नहीं लेकिन फिर भी मैं डाल रही हूँ, वैसे भी अच्छा ही बनता है। और इसमें मैं घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और ऐसे ही बहुत ही अच्छी बनती है खीर। इसको पूरा गाढ़ा होने तक हम इसको पकाते हैं, और कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है और टोप ईप में या कढ़ाई में बनाएं तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। ये वाली रेसिपी आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और ये मैंने भोपला गाँव से लाया हुआ है, इधर भी मिलता है लेकिन वो अलग मिलता है, पर ये वाली भोपले का ना जो खीर है बहुत ही अच्छा बनता है। 1 चम्मच सौंफ है और 4 से 5 छोटी इलायची है, हम इसको अच्छे से वो कूट लेते हैं। और थोड़ा साथ में मैं स्वाद के लिए नमक भी डाल रही हूँ। नमक डालने से स्वाद आता है और टेस्टी बनता है। इसको अच्छे से हम कूट लेते हैं। तो इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है, नहीं तो नीचे से लग जाएगा तो खीर में बास आ जाएगी और खीर अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं इसको ढक्कन लगा रही हूँ क्योंकि ऐसे मैं बंद नहीं कर रही हूँ, ऊपर से लगाई, वो अंदर से उड़ रहा है ना उसके लिए। तो इसको मैंने अच्छे से कोट लिए हैं, अब इसको हम डाल देते हैं। इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं सौंफ और इलायची को। मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ।
और ये पूरा तो हमारी खीर बन के रेडी हो गई। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो मैं इसको सर्व कर देती हूँ।